हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि एवरेज क्या है। तो एवरेज का हिंदी मीनिंग औसत होता है। औसत को हम कई नाम से जानते हैं, कि पहला नाम इसका है मेरा मध्य या बीच की संख्या, एवरेज को कहते हैं। तो एवरेज का डिफिनेशन क्या हो सकता है बताते हैं आपको। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे संख्या, यानी कि मान लीजिए बहुत सारे संख्या का कोई उसकी बीच की संख्या निकाल देना ही एवरेज कहलाता है। यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस संख्या है, बहुत सारी संख्या है, तो इसका मध्य क्या होगा, यही जानने की प्रक्रिया को हम एवरेज कहते हैं। इसके कुछ निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं, उसको मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होते हैं कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि औसत या बीच की संख्या बराबर क्या होता है, राशियो का योग बटा राशियों का संख्या। अगर आपको बहुत सारी संख्या दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि औसत निकाले, तो कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके एवरेज निकाला जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 का एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो राशियों का योग करेंगे, यानी कि जो राशि दिया हुआ है इसका जोड़ेंगे, तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 40, 40, 6, 20 बटा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पांच संख्या है, तो राशि की संख्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बटा 5। अब इसको काट देंगे, यानी कि ये में हो जाएगा औसत, यानी कि ये संख्या जो दिया हुआ है उसका औसत हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला है इसके। अगर मान लीजिए बोल दिए कि राशियों का योग निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है राशियों का योग निकालने का, एक फॉर्मूला राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला, औसत गुने राशियों की संख्या। एक एग्जांपल समझेंगे, मतलब कि 50 संख्याओं का औसत 48 है, बोले 38 है सॉरी, या 48 है, तो 50 संख्याओं का औसत, यानी 50 संख्या है तो उसका औसत क्या है, 48 है, तो राशियों का योग क्या होगा कि बोल सकता है। तो क्या करेंगे कि औसत क्या है, 48 है, और संख्या कितना है, राशियों की संख्या कितना है, 50 है, तो इसको गुणा कर देंगे तो राशियों का योग निकल जाएगा। तो 8, 5, 40, 5, 4, 20, 24, यानी कि 2400, ये राशियों का योग हो जाएगा उस संख्या का। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि 10, 19, 21, 22, 28 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग, यानी कि सबको जोड़ देंगे पहले, 10, 19, 21, 22, 28 बटा राशियों की संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5। तो इसको जोड़ेंगे, 10, 19, 29, 29, 21, 21, 28, 28, 21, यानी कि 100 बटा 5 आया जोड़कर। अब इसको काटेंगे 20, इसको इसका एवरेज हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 14, 13, 15, 17 का औसत क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि ये सब का ऐड, तो क्या हो जाएगा, 114, 119 बटा 4, यानी कि इसको काट देंगे, 2 4 2 8 2 5 10, यानी कि अब इसको दशमलव में ले जाएंगे, तो 2 4 8 2 7 40 40.5, यानी कि समझिए कि 47.5 इसका एवरेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 50 संख्या का औसत 38 है, यानी देखिए इसमें क्या किया है, 50 वो संख्या है, यानी संख्या का योग, 50 वो संख्या है उसका औसत 38 है। देखिए
अगर आपको एक और फॉर्मूला दे देते हैं आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें उल्टा है, औसत बराबर क्या होता है, हम पहले समझा देते हैं यहाँ से, फुल कॉन्सेप्ट है ये राशियों का योग बटा राशियों का संख्या, समझ जाते हैं आपको। देखिए उसमें क्या कहता है कि 50 संख्या का औसत 38 है, यानी देखिए और इसमें क्या किया, औसत दे दिया, यानी कि 50 वो संख्या है जिसका औसत क्या है 38 है, तो संख्या है राशियों की संख्या यानी कि बटा 38 है, तो राशियों तो क्या बोल रहा है, तो क्या करेंगे कि राशियों का योग निकालना होगा, तब ना पता चलेगा कि इतना योग है, तो राशियों की योग क्या होगा, तो समझ लेते हैं। तो 50 संख्या का औसत, 50 संख्या का औसत 38 है, तो राशियों का योग क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि राशियों का योग x, तो देखिए ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 38 गुने 50, तो इसको गुना कर लीजिए और राशियों का योग अपने आप निकल जाएगा, देखिए 8 फोर 40 90, यानी कि उस जो संख्या होगा ना, यानी कि राशियों का योग हो जाएगा 1900। एक क्वेश्चन हो गया, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत गुने राशियों की संख्या, यानी कि ये राशियों की संख्या। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 परिणामों का औसत 46 है, यानी कि 5 परिणाम है जिसका औसत 46 है, तो योग क्या होगा उसका 5 गुने 46, यानी कि 6 5 30 230 हो गया उसका योग, यानी कि 5 परिणाम है उसका योग क्या हो गया 230। उसमें से क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम का औसत 45 है, यानी ठीक है मान लीजिए आपको कोई पहला परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा परिणाम, चौथा परिणाम और पाँचवा परिणाम दे दिए, ठीक, जिसमें से 5 परिणाम का औसत क्या है मेरा 46 है, औसत 46 है, तो कुल योग क्या होगा उसका, संख्या का योग क्या होगा 230, और उसमें से 4 परिणाम का औसत यानी कि 4 परिणाम का औसत क्या है 45 है, तो 5 4 20 4 80, यानी कि देखिए अब 5 परिणाम का दिया हुआ है और 4 परिणाम का योग पता चल गया, तो अब बोला है कि 5वें परिणाम का औसत यानी कि एक जो, अब देखिए समझिएगा, तो एक परिणाम का योग यानी एक परिणाम का निकाले तो क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, देखिए 5 परिणाम का योग पता है, 4 परिणाम का योग पता है, तो घटा देंगे, एक परिणाम का योग अपने आप आ जाएगा, तो घटा देते हैं इसको 50, यानी कि एक परिणाम का योग क्या होगा 50, ये हो जाएगा मेरा आंसर।